इस वीडियो में हम सीखेंगे एल हॉस्पिटल्स रोल के बारे में। ये लिमिट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम एल हॉस्पिटल्स रोल यूज़ करके बहुत सारे लिमिट के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हैं और एक्स इक्वल टू ए पे एफ ऑफ ए 0 होता है और जी ऑफ ए भी 0 होता है। तो अगर ये कंडीशन हमें मिल रहा है तो इस लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर एक्स ए को टेंड करता है तो अगर हम ए एफ ऑफ एक्स में डालेंगे वो भी 0 हो जाएगा, और ए अगर जी ऑफ एक्स में डालेंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो हमें 0/0 फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होने से हमें लिमिट का 0/0 फॉर्म मिल जाएगा। तो एल हॉस्पिटल्स रूल ये कहता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम इस लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश ऑफ एक्स बाय जी डैश ऑफ एक्स। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 हो जाते हैं ए डालने पे, तो आप इन दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर आप लिमिट निकाल लीजिए। नाउ अब अगर एक्स इक्वल टू ए इन दोनों फंक्शन पे डालने पे अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ए भी 0/0 फॉर्म बन जाता है, इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ ए और जी डैश ऑफ ए दोनों 0 हो जाते हैं फिर से। तो इसमें हम फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं और इस लिमिट को फिर से हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाय जी डबल डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब है जितने बार ये 0/0 फॉर्म आएगा उतने बार आप फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करते जाइए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर ये दोनों भी 0 हो जाते हैं एक्स इक्वल टू ए डालने पे, तो इनको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम लिमिट को सॉल्व कर लेंगे, और यही साइकिल रिपीट होती जाएगी जब तक कि लिमिट सॉल्व ना हो जाए। और अगर मान लीजिए कि ये 0/0 फॉर्म ना होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख देते एफ डैश ऑफ ए बाय जी डैश ऑफ ए। यहाँ पर भी अगर ये 0/0 फॉर्म ना होता तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते एफ डबल डैश ऑफ ए बाय जी डबल डैश ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश ऑफ ए जी डैश ऑफ ए दोनों 0 हो जाते हैं, इसलिए हम ये स्टेप रिपीट करते हैं। और अगर ये दोनों भी 0 हो जाएंगे तो हम आगे का स्टेप रिपीट करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ हमें पता कैसे चलेगा कि किस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल्स रूल हम लगा सकते हैं? उसके लिए अगर हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स निकालना है, और अगर ये लिमिट एक्स इक्वल टू ए डालने पे इन दोनों फंक्शन पे अगर ये 0/0 फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस केस में हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे जब तक कि ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता जाए, और जब ये 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आएगा उस समय पे हम एक्स इक्वल टू ए डाल देंगे फंक्शंस पे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप इतना याद रखिए, इफ़ लिमिट कैन बी कन्वर्टेड टू 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देन वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल। तो अगर आपको क्वेश्चन 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है तो आप ये वाला रूल अप्लाई कर लीजिए, तो आपको तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इस रूल पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, हमने एक्स को डिनोमिनेटर में लेके 1/x लिख लिया, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें अगर हम एक्स इक्वल टू 0 डालते हैं तो साइन एक्स 0 हो जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 0 नॉट डिफाइंड होता है, और जब एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर डालेंगे तो 1/0 भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, और जब क्वेश्चन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का होता है तब हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं लिमिट को सॉल्व करने के लिए। तो एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करके इन दोनों फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x, और चेन रूल से साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, और 1/x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1/x² मिलेगा। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं तो हमें -x² / 10x मिल जाएगा, और इस फंक्शन में भी अगर हम x = 0 डालेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो अब हमें ये 0/0 फॉर्म मिल गया, और अगर 0/0 फॉर्म मिलता है फिर भी हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार और हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे तो इन दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो -x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2x, और 10x हो जाएगा sec²x। नाउ अगर x = 0 हम इस पे डालते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और sec²x 1 हो जाएगा जब x = हम 0 डालेंगे, तो
तो ये हमें मिल गया 0/1 दैट इज इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करके लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं अगर लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या फिर 0/0 फॉर्म होता है। एक चीज़ आप याद रखिए, 0/0 फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू 0/0 फॉर्म। तो दोनों फॉर्म एक दूसरे पे कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स निकालना है तो आप देख सकते हैं अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पर डालेंगे तो साइन एक्स 0 हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या है 0/0 फॉर्म है। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें से लिमिट x टेंडिंग टू 0 x को अगर हम न्यूमरेटर में लाएं तो ये 1/x हो जाएगा और साइन एक्स को अगर हम डिनोमिनेटर में लाएं तो ये 1/sin x हो जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें साइन एक्स बाय एक्स ही मिलेगा, तो क्वेश्चन में हमने कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पर डालेंगे तो 1/x इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/sin x भी इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 0/0 फॉर्म को इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से हम उल्टा भी आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में ये दिया होता तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, तो उस केस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। तो हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखिए। तो अगर क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दिया हुआ है तो ऐसा मान लीजिए कि दोनों सेम फॉर्म है, ठीक है, इसलिए दोनों में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हमें इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। तो जब x इक्वल टू 0 हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डालेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये 0/0 फॉर्म है। इसलिए हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करके इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होगा और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² होगा। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 - cos x को हम लिख सकते हैं 2 sin² x/2। तो ये फार्मूला अभी हम यहाँ पर लगा देंगे तो लिमिट को इवेल्यूएट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 1 - cos x जगह लिख दीजिए 2 sin² x/2 और यहाँ पर अगर x/2 है तो नीचे डिनोमिनेटर में भी हम x/2 ले आते हैं तो लिमिट को इवेल्यूएट करना आसान हो जाएगा। तो x² को हम लिख देते हैं x/2 का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा हमने डिवाइड कर दिया इसलिए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि x², ये भी x² ही रहे और यहाँ पर 3 तो पहले से था तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। नाउ ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1/6, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 × 2 = 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचा sin² x/2 / x² या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/6 sin² x/2 / x² तो हमने पिछले वीडियोस में एक फार्मूला देखा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x 1 होता है। तो जब x 0 को टेंड करता है तो साइन के अंदर जो टर्म होता है वो टर्म और ये टर्म सेम होना चाहिए, दोनों 0 को टेंड करना चाहिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को टेंड करता है। यहाँ पर भी देख लीजिए कि साइन के अंदर का जो टर्म है और यहाँ पर जो टर्म है दोनों सेम है और x 0 टेंड करने पे दोनों 0 को भी टेंड करते हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को टेंड करेगा, ठीक है। तो बचा क्या, 1/6 × 1, ये 1/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिमिट को सॉल्व कर लिया, यही हमारा आंसर है। और यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है, इसको बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 डालने पे cos 0 1 होता है, तो 1 - 1 0 हो गया न्यूमरेटर और 0 डालने पे डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें हम फिर से एक बार एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल्स रूल से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो 1 - cos x का डिफ्रेंशिएशन, 1 का तो 0 हो जाएगा, cos x का हो जाएगा -sin x, तो -sin प्लस हो जाएगा तो +sin x/3x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x, ठीक है। और फिर से यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 डालने पे sin x 0 हो जाएगा और ये 0 तो है ही है, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जितने बार 0/0 फॉर्म कन्वर्ट होगा या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट होगा उतने बार हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे और फिर से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा और 6x का 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो डालेंगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स इक्वल टू जीरो डालने पे कॉस एक्स वन होता है और यहाँ नीचे सिक्स है तो वन बाय सिक्स आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा जो पहले केस में आया था फॉर्मूला लगा के। तो लिमिट को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल लगाने से हमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्टली हमको डिफ्रेंशिएट करते रहना है जब तक कि वो जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हट ना जाए, और जब दोनों फॉर्म हट जाएँ तो डायरेक्टली ये वैल्यू लिमिट की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है, ये एक फार्मूला है लिमिट का जिसको हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर x इक्वल टू a अगर यहाँ पर डालते हैं x की जगह तो ऊपर जीरो हो जाएगा और नीचे भी जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है, इसलिए हम इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करके इसको हम दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n इंटू x टू द पावर n माइनस वन, a टू द पावर n को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, और x का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा और a भी जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। नाउ अगर हम x इक्वल टू a यहाँ पर डालते हैं तो जीरो बाय जीरो फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आएगा, तो डायरेक्टली हम a की वैल्यू x की जगह डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस वन। इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो जब x इक्वल टू जीरो यहाँ पर डालेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ वन जीरो होता है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा और ये टर्म तो जीरो हो ही जाएगा, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, इसलिए हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो एक्स ई टू पावर एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें टू एक्स मिलेगा। नाउ एक्स इक्वल टू जीरो जब यहाँ पर डालेंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा, यहाँ पर जब जीरो डालेंगे तो वन मिलेगा और यहाँ जीरो डालेंगे तो भी वन मिलेगा, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो न्यूमरेटर जीरो हो रहा है और यहाँ जीरो डालेंगे तो डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है, तो एक बार फिर से हमें जीरो बाय जीरो फॉर्म मिल गया। इसका मतलब है कि एक बार और हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करके इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें सेम मिल जाएगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमें मिल जाएगा टू। नाउ अब जब एक्स इक्वल टू जीरो डालेंगे तो हमें जीरो बाय जीरो फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होगा ही नहीं, इसलिए आप एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर डाल दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस ई टू पावर जीरो प्लस ई टू पावर जीरो प्लस वन बाय वन प्लस जीरो होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से वन मिलेगा, यहाँ से वन मिलेगा और यहाँ से भी वन मिलेगा, ये हो गया थ्री और डिनोमिनेटर भी टू ही है, तो हमें आंसर मिल गया लिमिट का थ्री बाय टू।